नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, करण जौहर ने फिल्म बनाई थी ए दिल हम मुश्किल, जिसमें रणवीर कपूर थे। दोस्तों, उस फिल्म के बाद में, कई वर्षों के बाद में, उन्होंने फिर से डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रखा है और उनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, इस फिल्म को पहले जनवरी में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। इसी के बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, इस फिल्म में अच्छी स्टार कास्ट है। इसमें आपको रणवीर सिंह है, आलिया भट्ट है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें वेटरन कलाकार लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी भी नजर आने वाले हैं। साथ में सबना आजमी है, जया बच्चन है, तो काफी अलग स्टार कास्ट है। साथ ही ये बता दूं कि इसमें कोलकाता के भी कई बेहतरीन एक्टर्स, कई न्यू कमर्स भी इस फिल्म में आपको एक्टिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। करण जौहर ने खुद ये बात बताई है। तो ये एक काफी अलग तरीके से फिल्म बनाई गई है। अब देखते हैं कि इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर करण जौहर की माने तो ये एक बहुत ही अलग तरह की और एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस फिल्म को पहले जनवरी में रिलीज किया जा रहा था, लेकिन अब करण जौहर ने फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और अब ये फिल्म 28 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 28 अप्रैल 2023 को इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है और करण जौहर इस फिल्म को लेकर के काफी उत्साहित है। अब देखते हैं उनका उत्साह कायम रहता है या बॉलीवुड की करीब करीब सभी फिल्मों का 2022 में जो हाल हुआ है वैसा ही हाल इस फिल्म का भी होने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसके साथ ही करण जौहर ने यह और कहा है कि वे जल्दी ही अगले वर्ष के शुरू में एक और जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट करेंगे और उसकी घोषणा जल्दी ही करने वाले है। और इस फिल्म की शूटिंग, वे जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग पर काम करना शुरू कर देंगे। अब उस फिल्म में किसको चांस दिया जाता है, कौन उसमें कास्टिंग की जाती है, तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया। लेकिन ये जरूर बताया कि एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी होगी और करण जौहर पहली बार कोई बहुत जबरदस्त एक्शन फिल्म डायरेक्ट करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।